हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, उसके स्कोप्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंसेस क्या हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे वीडियो लेक्चर में रूल ऑफ लॉ को। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। ये सारे टॉपिक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जिसको हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रेव नेसेसिटी है, आपको अभी ग्रेव अर्जेंसी है किसी एक टॉपिक को पढ़ने की, आप तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका वो डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। और हमें लगा कि अगर वो वीडियो बनाने लायक है तो हम उस पर आपके लिए वीडियो भी लेके जरूर आएंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो कि है किस बारे में, जो कि है रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ को समझना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, रूल ऑफ लॉ को समझना बड़ा ही आसान है अगर आप केवल टर्म्स को ब्रेक डाउन करें। और मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूं कि टर्म को ब्रेक डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स को अगर आपने ब्रेक डाउन किया तो आपका आधा कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ को अगर ब्रेक डाउन करें तो रूल का मतलब होता है शासन, यानी कि हम मान सकते हैं रूल को शासन कहने से कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का शासन है। और लॉ का मतलब होता है कानून, यानी लॉ का मतलब क्या हुआ, कानून, यानी कि कानून का शासन, यानी कि लॉ सबसे सुप्रीम शासन किसका होता है, जो किसी सोसाइटी में या किसी डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम होता है। और यहाँ पे हम आइडियली किसकी बात कर रहे हैं कि लॉ सबसे ऊपर हो, लॉ से ऊपर कोई भी ना हो। रूल ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब यही है। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका, रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ के अगर बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो और कुछ भी नहीं, रूल ऑफ लॉ ही है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से ऊपर कोई है क्या? अगर आप हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट को सुने, पब्लिक ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स को सुने, जुडिशरी को सुने, यानी कि सबसे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी किस लिए, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए। इंटरप्रेट का मतलब यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसके कहने का मतलब क्या था और हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में कैसे इंप्लीकेट होगा वो, उसका इंटरप्रिटेशन करके हमें बता पाए और हमारे लिए लॉज को ला पाए प्रेसिडेंस के थ्रू। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का मतलब है, यानी कि हमारे डेमोक्रेसी के तीन पिलर कौन से, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ये तीनों के तीनों किसके नीचे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में क्या है, एक कानून है, एक लॉ है। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रूल ऑफ लॉ है। और क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी है और इसकी हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। दो नाम आपको यहाँ पे सुनने में मिलेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। दो नाम आपको मिल जाएंगे जब आप कभी भी रूल ऑफ लॉ को पढ़ेंगे और इन दोनों नामों को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं दो नाम? एक आप सुनेंगे डाइसी साहब का नाम और एक सुनेंगे आप एडवर्ड कोक साहब का नाम। ये दोनों के दोनों नाम रूल ऑफ लॉ से जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। डाइसी साहब जो थे उनको हमेशा से हम कहेंगे, आप प्रेजेंटली अगर मॉडर्न टाइम का रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो आप हमेशा सुनेंगे कि डाइसी साहब ने रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया, डाइसी साहब थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ब्रीफ स्टडी करेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा सर एडवर्ड कोक साहब का, जो कि खुद एक चीफ जस्टिस थे और कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम रूल ऑफ लॉ की थ्योरी ये लाए थे। तो सर ये दो नाम क्यों, क्या इन दोनों ने कोई अलग अलग रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन दी थी? नहीं, एडवर्ड कोक साहब ने पहली बार रूल ऑफ लॉ से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने बोला कि जो राजा होता है ना किसी भी डेमोक्रेसी का, वो किसके नीचे होता है, एक भगवान के नीचे काम करता है और एक लॉ के नीचे। यानी कि राजा सबसे सुप्रीम नहीं है। आप सोचिए 18 सेंचुरी में इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे केवल राजा लोगों की ही चलती थी। इस बात पे शायद उनका सर कलम भी किया जा सकता था, लेकिन उस टाइम उन्होंने इतनी हिम्मत करके ये बात कही कि राजा सबसे ऊपर या राजा सबसे सुप्रीम नहीं है, राजा या किंग के ऊपर कौन आता है, लॉ और गॉड, ये दोनों राजा के ऊपर हैं। जब डाइसी साहब ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा और समझा तो उन्होंने इसके बारे में और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को चलाया, उन्होंने और रिसर्च करी और उन्होंने एक थ्योरी फाइनली इस थ्योरी से निकाली जो कि थी रूल ऑफ लॉ की थ्योरी, जिसमें कहता है कि लॉ सबसे ऊपर है, लॉ सुप्रीम है किसी भी डेमोक्रेसी या किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। चलिए जरा पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस एडवर्ड कोक ऑफ इंग्लैंड, कहां के थे ये, इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया, द ओरिजिनेटर ऑफ द डॉक्ट्रिन। इनको हम क्या कहेंगे, ओरिजिनेटर कहेंगे इस डॉक्ट्रिन का। इस चीज को आप अपने यहां पे मार्कअप करके चलिए, ओरिजिनेटर ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। जस्टिस कोक जो कि कौन थे, खुद एक चीफ जस्टिस थे, व्हाइल एम्फसाइजिंग ऑन द सुपरमेसी ऑफ द लॉ अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव स्टेटेड दैट किंग शुड बी अंडर द गॉड एंड लॉ। भगवान जो है वो और कानून जो है वो दोनों के दोनों कौन है, किंग के ऊपर है। यानी कि किसी भी मोनार्की में किंग सुप्रीम नहीं है, लॉ और गॉड है। ठीक है सर, अब इसी थ्योरी को क्या किया, द थ्योरी ऑफ जस्टिस कोक वॉज डेवलप्ड बाई डाइसी।
अब डाइसी साहब ने क्या किया, इसी थ्योरी को डेवलप किया। उन्होंने इस थ्योरी को पढ़ा, सुना, समझा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने इसी थ्योरी पे काम करना शुरू किया, री इंजीनियर किया इस थ्योरी को। और उन्होंने बाद में क्या लेके आए, अपनी उनकी जो किताब थी, उनका जो क्लासिक वर्क था, हम जुरिस्प्रूडेंस में इसको पढ़ते हैं, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डाइसी साहब ने लिखा था, उसमें उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिश कराया इन द ईयर 1885। यानी रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, एडवर्ड कोक के साहब के बारे में, जिन्होंने बोला कि राजा के ऊपर कौन है, गॉड और लॉ है। और इसी चीज को री इंजीनियर करके डाइसी साहब लेके आए अपनी बुक में, अपने वर्क में, जो कि बहुत ही मास्टरपीस माना जाता था, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने 1885 में इसको पब्लिश किया। और इसमें किसके बारे में बात करी, रूल ऑफ लॉ की, और वहां से पहली बार शुरुआत हुई इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब मीनिंग्स पे जाते हैं जरा, कि भाई साहब ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। रूल ऑफ लॉ को अगर हम आगे डिवाइड करें, इसके इसको सब पार्ट्स में ब्रेक करें, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं, डाइसी इन हिज वर्क स्टेटेड दैट द रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल टू द लीगल सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग थ्री मीनिंग्स टू द डॉक्ट्रिन। डाइसी साहब ने बोला कि किसी भी लॉ का, किसी भी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है रूल ऑफ लॉ, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है क्या, रूल ऑफ लॉ। और उन्होंने बोला कि जो ये है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये तीन मीनिंग देता है, यानी कि इस डॉक्ट्रिन के अंदर तीन और छुपे हुए मीनिंग है। क्या क्या है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है, लॉ सबसे ऊपर, जो कि रूल ऑफ लॉ का हमने पहले ही मतलब समझ लिया। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ द रेगुलर लॉ, यानी कि जो लॉ हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, जो भी पेरेंट लॉ है, वो सबसे सुप्रीम होगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, जो इस तरह के टॉप और एपेक्स लोग होते हैं, जुडिशरी भी चाहे तो उस कानून के ऊपर जाके कोई काम नहीं कर सकती, उस कानून के दायरे में रहके ही काम करना होगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का दूसरी चीज क्या है, अब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है सर, ये तो हमने नेचुरल जस्टिस में भी पढ़ा था। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ कब होगा, जब लॉ के सामने क्या होगी, सबकी, लॉ की नजरों में सब लोग समान होंगे। लॉ के सामने जब एक एक सिटीजन जो है वो समान होंगे, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई दूसरा नॉर्मल सिटीजन हो इस देश का, अगर दोनों ने कोई क्राइम कमिट किया जो कि सेम क्राइम है, तो दोनों का ट्रायल और दोनों की पनिशमेंट हमेशा सेम होगी। ठीक है सर, और ये क्या कह रहे हैं, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला राइट्स वुड बी सिक्योर्ड मोर एडिक्वेटली इफ दे वर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जजेस घर पे बैठे कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो राइट्स हैं और जो लॉ है वो कौन बनाए, अगर वो कोर्ट्स के थ्रू डिसाइड हो, कोर्ट्स का उसमें चेक्स रहे, कोर्ट का चेक और बैलेंस रहे, तो क्या होगा, वो ज्यादा इंप्लीकेट हो पाएंगे सोसाइटी में। ये डाइसी साहब का कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ का। और रूल ऑफ लॉ को अगर आप ओरिजिनली ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रूल ऑफ लॉ में इंट्रो लिखना है, उसके बाद आपका उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसमें डाइसी साहब और एडवर्ड कोक साहब दोनों की बातें करनी है, फिर आपको ब्रेक करना है इसके डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में, जिसमें होगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, इंडिया में रूल ऑफ लॉ की पोजीशन क्या है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रीएम्बल को देखिए, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जस्टिस यानी कि न्याय, इक्वालिटी मतलब कि सबके लिए बराबर, और लिबर्टी का मतलब भी आप अच्छे से जानते हैं। ये तीनों की तीनों चीजें हमारे प्रीएम्बल में प्रॉमिस की गई हैं हर एक सिटीजन को, और ये अपने आप में रूल ऑफ लॉ को क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द डेमोक्रेसी आर सबॉर्डिनेट, दैट इज जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली। अब हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ कैसे इंप्लाई हो रहा है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रीएम्बल में इन तीन शब्दों की वजह से, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हमारे तीनों की तीनों जो डेमोक्रेसी की ब्रांचेस हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, चलिए चौथी भी ले लेते हैं जिसको हम मानते हैं मीडिया, यानी कि जर्नलिज्म, वो भी किसके अंडर में आता है, ये चारों के चारों अंडर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके ऊपर है, यानी कि जो तीन तीन मेन ब्रांचेस हमारी डेमोक्रेसी के, उनके भी ऊपर बैठता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल किसका हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने आप में एक लॉ है, तो वो क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ हुआ। ठीक है सर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम द सेंट्रल एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो रूल ऑफ लॉ है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी को भी अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप उसको क्या बताएंगे कि हमारी कंट्री का सोल है, हमारी डेमोक्रेसी का सोल है कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे ऊपर हमारी कंट्री में कोई भी नहीं। इसीलिए क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ को इतना इंपॉर्टेंस दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है सर, अब रूल ऑफ लॉ के अपने कुछ एक्सेप्शन हैं। अब इसमें क्या चीज है पता है, लोग हमेशा ना किसी भी राइट का मिसयूज करने की कोशिश सबसे पहले करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के अपने कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कैसे उसको समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसे समझाऊंगा तो आपको शायद ना समझ में आए, लिखा हुआ देखेगा तो आप समझ जाएंगे।
पावर्स ऑफ प्राइवेट सिटीजन आर नॉट सेम एज अ पावर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल. अब अगर कोई बोले कि मुझे भी कलेक्टर के ऑफिस में बैठ के काम करना है, या पुलिस ऑफिसर ही क्यों अरेस्ट करेगा, मैं भी अरेस्ट करूंगा. क्यों, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की. वो बोलेगा कि अगर लॉ के तहत एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत मैं भी अरेस्ट कर सकता हूं. ऑल्दो एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है लेकिन किसी के ऑर्डर पे, वो सीआरपीसी का टॉपिक है. यहां पे अगर हम आइडियली देखें तो ऐसा नहीं हो सकता. सिमिलरली देखिए, कोई अगर आके बोले कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से क्यों उड़ के कहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तो इस चीज में भी उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता. ठीक है सर, द रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स. यानी कि स्पेशल रूल्स भी स्पेशल क्लासेस ऑफ पीपल के लिए होते हैं. और हमने पढ़ा था क्या, अभी आप बोलेंगे आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपने बोला था न्याय सबसे ऊपर है और सब लोग न्याय की नजर में सेम है. तो यहाँ पे स्पेशल रूल कैसे आ गया, स्पेशल रूल आ सकते हैं क्यों, मिलिट्री वालों के लिए स्पेशल रूल आ सकते हैं क्योंकि भाई मिलिट्री वाले हैं, वो अपने स्पेशल के लिए गवर्न होंगे और हमारी सोसाइटी में वेलफेयर के लिए वो उस तरह के रूल से गवर्न हो रहे हैं. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हम लॉयर्स खुद, हम भी गवर्न होते हैं बार काउंसिल के रूल्स से, हमारे लिए अलग रूल्स हैं. अगर आप किसी स्टेट के गवर्नर हैं या प्रेसिडेंट हैं, अगर आपने लोकसभा में कोई स्पीच दी है तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, वो एक स्पेशल रूल है. तो इस तरह की चीज़ों की कुछ सिक्योरिटी होती है जो रूल ऑफ लॉ के एम्बिट के अंदर में नहीं आती है. मिनिस्टर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर गिवन वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स. उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, आप कोई जाके ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिशनरी पावर मुझे भी चाहिए. ठीक है, सर्टेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स एंड इन देयर प्रोफेशंस लाइक लॉयर, डॉक्टर एंड नर्सेस. वो अलग अलग अपने स्पेशल रूल से गवर्न होते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों में एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलना है कि ऑल्दो ये बात सच है कि वो लोग अलग अलग स्पेशल रूल से गवर्न हो रहे हैं, मिनिस्टर्स के पास अलग पावर है, लेकिन अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ ही चल रहा है अभी भी. क्यों, क्योंकि जो अल्टीमेट लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के अंडर में, उसी की छत्र छाया के अंदर ये स्पेशल रूल्स बने हुए हैं और ये अपने अपने डायमेंशन में काम कर रहे हैं. तो रूल ऑफ लॉ में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और रूल ऑफ लॉ बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसको हम सिर्फ इतना ही पढ़ लें तो हमारे लिए मोर देन सफिशियंट होगा. यानी कि हमारा कौन सा टॉपिक यहां पे खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ. हमारा रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है. और रूल ऑफ लॉ का मतलब कुछ नहीं है, केवल अगर इस बोर्ड में देख के समझने की कोशिश करें तो रूल यानी कि शासन, किसका, कानून का. और दो नाम हमें हमेशा याद रखने हैं इस लेक्चर के बाद से, एडवर्ड कोक साहब और डाइसी साहब. इन दोनों का नाम अगर हमें पता है तो हमें ये बात भी पता है कि ये रूल ऑफ लॉ आया कहां से. और हमें एक बार वापस जाके रिवीजन करके देखना हो तो ये तीन डेफिनेशन को याद रखना है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ हमारा रूल ऑफ लॉ का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ. आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो. अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर है उनमें वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में. तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड एंड हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड हैव अ वेरी गुड डे. थैंक यू. अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ. आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें. हमेशा आपके साथ टीम कोको.